तो हम कौन है? कुरान वाले। लेकिन हमें ये जायजा लेना चाहिए कि हम कितने कुरान वाले लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। ये बच्चे जो बैठे हैं सामने, इनकी जो जिंदगी है इंशाल्लाह कुरान में गुजरेंगी, जो असातिज़ा मौजूद हैं, जो उलमा मौजूद हैं, उनकी जो जिंदगियां कुरान में गुजर रही हैं। मैं आम लोगों से सवाल करता हूं कि आप मुझे बताएं कि कुरान का कितना हिस्सा आपके सीने में महफूज है, क्योंकि आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसके सीने में कुरान न हो वो सीना कल बैतुल खरब, वो वीरान घर जैसा है, वो दिल वीरान घर जैसा है। जैसे वीरान घर में चूहे बस बना लेते हैं, मकड़ियां जाले बुन देती हैं और छिपकली गिरगट उसे अपना मस्कन बना लेते हैं, चमगादड़ें लटक जाती हैं, उल्लू आकर बैठ जाते हैं, मगर आसिफ ज़दा बन जाता है, ऐसे वो सीना फितनों की आमादिदा बन जाता है जिसमें कुरान का कोई हिस्सा महफूज ना। तो कुरान आपको कितना याद है मैं आपसे सवाल करता हूँ, तो औसतन जवाब होगा कि साहब हमें 10 सूरते याद, वो भी इम्तियाज भाई की वजह से। ये तबलीग वाले जो मदरसे तक भी जाता है, जनता करता मदरसा उसके घर पे दावा खोल देता है और उसे गिरफ्तार करके ले जाता है। कम से कम तो जो खैर वजूद में आती है कि बंदे को 10 सूरते याद हो जाती, तो 10 सूरते हमें याद है। अब 10 सूरतों में जरा हिसाब लगाओ कि कुरान में 114 सूरते हैं और हमें सिर्फ 10 सूरते याद। अगर मैं पूछूं कि 10 सूरतों में से किन सूरतों से आपका रिश्ता जुड़ा हुआ है, तो पता चलेगा कि किसी ने अपना रिश्ता अलग तरह आप से जोड़ा है और किसी ने अपना रिश्ता फलाम और नास से जोड़ा है। आठो सेठ है, जैसे ही नमाज में सूर्य वाकया खत्म हुई अलग तरह जुड़ेगा। सुन्नत नफिल इशराक चार तकबीर तहज्जुद सलात तौबा सलात इस्तिगफार सलात वादा, और वो गए उमरा करने और हज करने तो वहां भी तवाफ करके सलात तवाफ, लेकिन सूरते को ही अलग तरह बोली गई। ऐसा होता है कि नहीं? साहब वो परियायों का जरूर तो शुरू तो कर देते हैं, खत्म ही नहीं होती, घूम घूम के वापस आ जाते हैं, और दंपत के अगर सही से याद नहीं तो क्या है? दो सूरतों से रिश्ता जोड़ा। आप उलमा इकराम से पूछो कि ये दो सूरतें कुरान का कितना हिस्सा है, आदत में तो नजर आ रहा है कि 114 में से दो, लेकिन अगर मिकदार के एतबार से देखोगे तो ये कुरान का 1%, आधा परसेंट, 0.1% भी नहीं। ये है हम कुरान में। अच्छा, सबसे बड़ा सितम मैं बताऊं, सबसे बड़ा जुल्म जो मुसलमानों ने खुद अपने आप पर किया है वो ये है कि इन दो सूरतों में अल्लाह क्या फरमाता है ये भी अक्सर मुसलमानों को मालूम नहीं। काला अक्षर बेस बरम, चाइना के अंदर एक औरत थी, बेमा थी, छोटा मासूम बच्चा उसके साथ था, उसने जैसे माँ होती है बच्चे को पाला पोसा, मेहनतें की, मशक्कतें बर्दाश्त की और फिर दूसरे शहर भेजा, वहां आला तालीम हासिल की, वहां प्लेसमेंट निकला तो नौकरी लग गई, वो लाखों डॉलर कमाने लगा और ये माँ कुड़िया में रह रही है, रूम की सुखी खा रही, लोग इकट्ठा होकर आ गए कि तूने अपने बेटे के लिए कुर्बानी दी, मेहनतें की, मशक्कतें बर्दाश्त की, लेकिन तुझे क्या फायदा हुआ? वो तो गया और अब वापस भी नहीं आया, तुझे पैसे भेजता है कि नहीं भेजता? तो माँ ने कहा नहीं पैसे तो नहीं भेजता, लेकिन मुझे हर महीने खत लिखता है, ये एक माँ के लिए काफी है कि बेटे को मैं याद हूँ, मुझे हर महीने खत लिखता है। लोगों ने कहा अच्छा बताओ कहाँ है वो खत, जैसे तो कहीं अपने बेटे का दिफा नहीं कर रही, खत दिखाओ। तो वो अंदर ले गई, अंदर दीवार के ऊपर कहने लगी मैं खत को चस्पा कर देती हूँ, चिपका देती हूँ ताकि उन्हें देख कर अपने बच्चे को याद कर सकूं। लोग करीब गए तो पता चला कि वो खत नहीं थे, वो हजारों रुपए के चेक थे जो हर महीने वो बच्चा भेजा करता। अगर उस अनपढ़ औरत को भी पता होता कि ये चेक है तो वो बैंक ले जाती, पैसे लाती, कुलिया और छोबड़े की जगह महल और बंगला होता और रूखी सूखी की जगह मोमो मुसल्लम होता। इस औरत का जो हाल है वो आज के मुसलमान का हाल। उतर कर बेड़ा से सुए को आया और एक नुस्खा कीमिया साथ लाया, तस्वीर आलम का नुस्खा हर जिस्मानी और रूहानी मर्ज की शिफा, और
नुस्खे कीमिया हमारे पास मौजूद है, हमारा हाल उस नखले वाली औरत की तरह है जिसका खादिम उसे दवा लाके देता है और वो उस दवा को खाती नहीं है, और जैसे ही शोहर आता है तो चीखने लगती है कि मैं इतनी बीमार हूं, तुम मेरा ख्याल नहीं करते। तो शोहर बेचारा कहता है दवा सामने रखी, इसे क्यों नहीं खाती।